अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी हमें यहाँ पे पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन जो है उसके असरात हमारी पॉलिटिक्स पे, एक स्टेट पे, हमारी इकोनॉमी पे या हमारे कल्चर पे कितना पड़ा हुआ है, और अगर असर पड़ा है तो उसमें पॉजिटिव कितना पड़ा है और नेगेटिव कितना पड़ा है। तो स्टूडेंट्स, मैं वन बाय वन इनको डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने ग्लोबलाइजेशन अच्छे से आपको क्लियर किया है, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो जहां तक पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस का ताल्लुक है कि एक स्टेट जो है, एक स्टेट पर ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि पॉलिटिक्स यानी स्टेट जो है, क्योंकि आप जानते हैं स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, उसको लाइव बनाती है पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल मैटर्स, गवर्नमेंट। तो हमारी सियासत पे या हमारी गवर्नमेंट पे या वर्ल्ड गवर्नमेंट पे ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा है, क्या नतीजे निकले हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करेंगे स्टेट की, तो अर्लियर state was police state because only two functions were performed by state. One was to maintain law and order and another was to give protection to the individuals from external dangers, from external aggressions. That's why that earlier state was known as police state. But with the passage of time, this police state changed into welfare state. Kyunki state, welfare state jo hai, that performed lot फॉर द सेक ऑफ पीपल, फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। आप जानते हैं कि बच्चा खाली जन्म लेता है माँ की कोख से, उसके बाद सारी की सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो स्टेट पूरा करती है। तो इस तरह से उसको वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि फ्रॉम यू नो क्रेडल टू ग्रेव बच्चे के लिए हर एक स्कूल्स, हेल्थ फैसिलिटीज, रोड्स, बिल्डिंग्स, कॉलेजेस, जॉब, सारी चीजें स्टेट फराहम करती है, तो तभी वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। लेकिन वेलफेयर स्टेट फिर चेंज हुई है प्रेजेंटली, जब से ग्लोबलाइजेशन वजूद में आया है, ये प्रोसेस जब से ज़्यादा हर स्टेट ने इसको यू नो इम्प्लीमेंट किया है अपनी स्टेट में, इंट्रोड्यूस किया है अपनी स्टेट में, वेलकम किया है इस प्रोसेस को, तो वेलफेयर स्टेट चेंज हो गई मार्केट स्टेट में। किस में चेंज हुई? मार्केट स्टेट में। और यू नो मार्केट स्टेट जो है, इट रिड्यूस द कैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। तो इस तरह से जो मार्केट स्टेट है उसने एक स्टेट की, एक गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी कम की है। कौन सी कैपेबिलिटी कम की है? कि कोई भी डिसीजन हमारी जो भी स्टेट है, मार्केट स्टेट, तो उसमें गवर्नमेंट्स इंडिविजुअली डिसीजन नहीं ले सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक गवर्नमेंट जब अलाउ करती है मल्टीनेशनल कंपनी को कि आप मेरे मुल्क में आइए, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, आप अपना काम शुरू कर लीजिए, चाहे वो किसी भी आइटम से रिलेटेड क्यों ना हो, हेल्थ है, एजुकेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एग्रीकल्चर है, जब आपने इसमें प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस की और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया, मल्टीनेशनल कंपनीज को मौका दिया, तो नेचुरली वो आपके पार्टनर्स बन जाते हैं। और ऑब्वियसली जब वो आपके पार्टनर बन जाते हैं तो एक गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है। तो इनफैक्ट यू नो विद एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज हैज रिड्यूस्ड द कैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। द गवर्नमेंट एट टाइम्स आर फोर्स्ड टू चेंज द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्राइवेट सेक्टर। तो इस तरह से मैंने अभी आपसे बात की कि गवर्नमेंट जो है उनको तो कभी कभार कॉन्स्टिट्यूशन अपना चेंज करना पड़ता है, अपने लॉज चेंज करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ दीज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि आप चाहते हैं अपने मुल्क में फ्लो आ जाए, आप चाहते हैं अपने मुल्क में जो ग्लोबलाइजेशन है, आपने जब इसकी एंट्री कर ली तो आपने इनको अपने मुल्क में इजाजत दे दी बिजनेस एस्टैब्लिश करने की, आपको पता है मुझे भी फायदा है, तो नेचुरली आपको मिलजुल के फिर लॉज वगैरह पॉलिसीज बनानी पड़ती है, और कभी कभार आपको अपने पुराने डिसीजंस चेंज करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ दीज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, कभी कभार ये तो पॉजिटिव डिसीजन था इसका, जो मैंने पहले कहा आपसे कि गवर्नमेंट जो है
यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ये समझ लीजिए एक टाइप का नेगेटिव ही यहाँ पर रेस्पॉन्स मिल रहा है, नेगेटिव कंसिक्वेंस निकल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का काम कम हो रहा है और गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकती है। लेकिन हम ग्लोबलाइजेशन की पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस को फरामोश भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यू नो रेवोल्यूशन इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड द स्टेट्स मोर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। ये तो हमें मानना ही मानना है कि ग्लोबलाइजेशन ने जो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इनकलाब आया, फ्लो आया गुड्स में, कमोडिटीज में, आइडियाज में, IT में, तो उससे हमारी स्टेट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगी और ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होने लगी। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन हर एक में ज्यादा से ज्यादा फ्लो आया, ज्यादा से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट आई, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट आई और उसकी वजह से स्टेट्स जो है नेचुरली वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगी और पावरफुल बनने लगी। तो ये थे पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। आगे बढ़ेंगे इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस। यू नो डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की तो नेचुरली यहाँ पर जहन में आ जाता है कि फ्लो, ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो डील्स विद फ्लोज, फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ कमोडिटीज, फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्लो ऑफ कैपिटल, ये सारी चीज़ें हमें जहन में आ जाती है। तो ये इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज है, पॉजिटिव कंसिक्वेंसेज हैं क्योंकि एक स्टेट तभी डेवलप होगी, तभी तरक्की करेगी जब उसमें हर एक टाइप की फैसिलिटी हो और वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ग्लोबलाइजेशन। तो यू नो डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन जो है, जैसा मैंने पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, ये बड़े मुल्कों का ख्वाब था कि ये पूरी दुनिया पर राज कर ले। अभी भी वो कर रहे हैं। इनफैक्ट कॉलोनाइजेशन खत्म तो हो गई, पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन खत्म हुई, लेकिन नाउ वी आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन दीज कंट्रीज। इसको कहते हैं इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन आजकल जो चल रहा है, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। तो इस तरह से आप देखिए हमारे यहाँ इन कंट्रीज ने कुछ इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए, कुछ इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए, चाहे हम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, WTO की बात करें। तो इन इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है, दीज इंस्टीट्यूशंस प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब देखिए पूरी दुनिया की जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो ये एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस ही फ्रेम कर रहे हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो। तो पूरी दुनिया जब इनके मेंबर बन चुके हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं इनके रूल्स, इनके लॉज, इनकी कंडीशंस, तो नेचुरली वो जैसे चलाना चाहेगी पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को साथ में चलना है। तो इनफैक्ट इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस और इसका ये पॉजिटिव नतीजा निकला कि रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स हैव बीन रिमूव्ड। पहले एक स्टेट क्या करती थी, कुछ बेन लगाती थी कुछ आइटम्स पे इम्पोर्ट के लिए, लेकिन अब सारा कुछ हटा दिया गया है, टैक्सेशन फ्री कर दिया गया है, टैक्सेस कम कर दिए गए हैं, टैरिफ्स कम कर दिए गए हैं, सी रूट्स ओपन कर दिए गए हैं, सी लेन्स ओपन कर दी गई है। तो यह है ग्लोबलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा हर एक मुल्क में क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार हो, हर एक मुल्क में फ्लो ऑफ कमोडिटीज हो, फ्लो ऑफ कैपिटल हो। तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारे आइटम्स पे जो भी थे पाबंदियां जो लगी हुई थी स्टेट्स की, उन्होंने वो हटा दी। और उसके अलावा जो कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज हैं, चाहे इंटरनेट की हम बात करें, चाहे हम बाकी जितने भी इंटरनेट हो या जो भी कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज हो, उनकी अगर हम बात करेंगे इज अ गुड एग्जांपल इन दिस रिगार्ड। तो इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया जो है, आप खुद सोच सकते हैं कि वो काम जब हमें पैगाम पहुंचाना होता था, एक ज़माना था तो कबूतरों के ज़रिए बादशाह लोग पैगाम पहुंचाते थे दूसरे मुल्कों में, आज ये ज़माना आ गया है कि विद इन नो टाइम खाली आपकी उंगलियों का काम है, जितना फास्ट चलेंगी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। तो आप ये काम अब जो है इंटरनेट के ज़रिए सेकेंड्स में कर सकते हैं। तो इसने आपकी लाइफ बहुत क्या कर दी, ईजी कर दी। लेकिन इतना ही नहीं है, नो डाउट इजी कर दी, और डिपेंडेंट जितने भी गरीब मुल्क हैं उनको लोन वगैरह फराहम हुआ। तो नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, इसके बहुत ज़्यादा फायदे ही हुए, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस के इसके अच्छे नतायज निकले। लेकिन चैंपियंस ऑफ सोशल जस्टिस प्रोपाउंड द व्यू दैट ओनली मार्जिनल सेक्शन बेनिफिट्स व्हाइल द मेजॉरिटी इज डिप्राइव्ड ऑफ जॉब्स एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। तो ये बात याद रखिएगा, जो चैंपियंस ऑफ सोशल जस्टिस है, जो लोग
जो स्कॉलर्स है जो बिलीव करते हैं सोशल जस्टिस में, उनका मानना है कि जो एंट्री हुई है ग्लोबलाइजेशन की, जो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस इसके निकले वो बुरे ही निकले, क्योंकि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, और इसका फायदा खाली कुछ लोगों को, कुछ ही कंट्रीज को, चंद ममालिक को मिल रहा है, जबकि बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी लोग हैं, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ जॉब्स एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स, उनका उसको कोई फायदा मिल नहीं रहा है, खाली गरीब लोग गरीब हो रहे, मुकेश अंबानी ज्यादा से ज्यादा अमीर हो रहा है, और हिंदुस्तान की जनता जो है गरीब से गरीबतर हो रही है। तो उसके बाद है कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन ने पॉलिटिक्स पे भी, हमारी स्टेट पे पूरी तरह से कब्जा जमाया, हमारी स्टेट्स जो है ना अब वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले नहीं सकती है, इकोनॉमी पे पूरी तरह से कंट्रोल है, क्योंकि हर एक कंट्री वर्ल्ड बैंक से लोन ले चुकी है, IMF से लोन ले चुकी है, वर्ल्ड ट्रेड के रूल्स एक्सेप्ट कर रही है। उसके अलावा देखिए, कल्चर तक इन्होंने छोड़ा नहीं है, जो अपना होता है कल्चर। अब इनफैक्ट यू नो, ग्लोबलाइजेशन हैज इवन अफेक्टेड कल्चर, इट हैज अफेक्टेड आवर डोमेस्टिक लाइफ, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी तो चेंज हो गई ग्लोबलाइजेशन की वजह से। यू नो, लाइफ, फूड, ड्रिंक, ड्रेस, आइडियाज, ये सारी चीजें जो है इस पर बुरा असर, इस पर असर हो रहा है। किसका? ग्लोबलाइजेशन का असर हो रहा है। यू नो, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज सोशल मोबिलिटी एंड इट हैज स्ट्रेंथन्ड द बॉन्ड्स ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो कभी कभार आप देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन ने ये हमारा कल्चर जो है डेवलपिंग कंट्रीज का वो एक्सेप्ट कर रही है, डेवलप्ड कंट्रीज, नॉर्दर्न कंट्रीज का कल्चर, क्योंकि उनको लग रहा है वो उनकी फास्ट इकोनॉमी है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उनकी फास्ट डेवलपमेंट हो रही है, तो हमें भी इनके कल्चर को अपना लेना चाहिए। आप देखिए, जीन्स कल्चर की बात करेंगे, पिज्जा की बात करेंगे, बर्गर, फास्ट फूड, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अमेरिकन कल्चर, और एंड वी पीपल हैव एक्सेप्टेड इट होल हार्टेडली, हमने दिल से इसको पसंद किया है, चाहे हमें वो चीज़ अपनी चीज़ें छोड़ के हमने इसको एक्सेप्ट किया है। तो ये क्या हुआ, ये समझ लीजिए हमारा कल्चर भी मुतासिर हो गया है। किन से मुतासिर हुआ है? जो भी पोलिटिकली या इकोनॉमिकली डोमिनेंट कंट्रीज है, अमेरिका, ब्रिटेन, इन कंट्रीज को देख देख के हमारा कल्चर भी मुतासिर हुआ। हम वो, आप देखिए, हिंदुस्तान में कभी ओल्ड एज होम्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन इन डेवलप्ड कंट्रीज को देख के अब यहाँ पे भी ओल्ड एज होम्स हो रहे हैं। हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान माना जाता था अपने इस यू नो ट्रेडिशंस के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से अपनी एक अलग से पहचान थी, तो लेकिन ये भी मुतासिर हो रही है। अब रिंग सेरेमनी हो रही है, अब हर एक चीज डिफरेंट हो रही है, और वो हो रही है जो डेवलप्ड कंट्रीज का कल्चर है। तो आप देखिए, ये सब चीजें हमें ग्लोबलाइजेशन से मिली है। तो ये आज का टॉपिक मेरे ख्याल में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।